बट वी आर सो ग्रेटफुल टू शाजिया फॉर स्टेपिंग इन ताकि हमारे किचन की जो रौनक है वो बरकरार रहे और जो आपके लिए मुख्तलिफ रेसिपीज आयशा जैसे लेके आती थी उसी तरह शेफ शाजिया भी आपके लिए लाएंगे। शेफ शाजिया क्या बनाने लगी आज? हम बना रहे हैं स्पाइसी क्रिस्पी चिकन और उसके साथ पैनकेक्स। ओह जबरदस्त, पैनकेक्स तो सब बच्चों के फेवरेट्स हैं। और मुझे याद है जब मेरे नेफ्यू ने उसके अरूजे खुश आई थी तो हमने उसकी तमाम पसंद की चीज़ें बनाई। उसने बिलखसूस कहा कि मुझे चॉकलेट पैनकेक चाहिए, तो हमने उसको छेड़ते हुए ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार ये तो नाश्ते में खाने की चीज़ होती है, कहता है ये ब्रेकफास्ट होता है ना, और मैं अपना फास्ट ब्रेक कर रहा हूँ तो मेरे लिए परफेक्ट है। बच्चों को तो एनी टाइम दे दें। बिल्कुल सही। तो आज कोई खास उसके ऊपर टॉपिंग्स भी होंगी आयशा? क्या बनने लगा है जी, क्या बनाया आज आपने? अच्छा, ये मैंने बनाई है स्पाइसी क्रिस्पी चिकन और ये बड़ी टेस्टी होती है, आप इफ्तार में जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका सॉस बड़ा मजे का होता है, लाइक थोड़ा स्पाइसी होता है। लेकिन सॉस आपने खुद बनाया ना? हाँ, मैंने खुद बनाया। अच्छा, मुझे बताएं कि सॉस के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? बड़ी तेजी से बना दिया आपने, हाँ, दिखाया भी नहीं। सॉस में सिराचा डाला था मैंने, ठीक है, 2 टेबल स्पून। इसमें मैंने डाला था चिली गार्लिक सॉस, केचप डाला था, इसमें मैंने रेड पेपर डाला था, नमक डाला था और इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था, सेसमी ऑयल। ठीक है, वो मैंने मिक्स करके जो हम कर रहे होते हैं, अम्मी से कभी भी रेसिपी पूछो तो ऐसी बताती है ये भी डाला था, शायद वो भी डाला था, लेकिन डाल दिया था। नहीं, मतलब 2 टेबल स्पून मैंने डाला था रेड पेपर, क्योंकि जरा सा स्पाइसी बनाना है इसको। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेके सिर्फ इसको मिक्स कर देना है या मिक्सिंग करके? हाँ, मिक्सिंग करके अपने फ्राई पैन में इसको थोड़ा सा कुक करना है, हीट करना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना, और फिर उसके बाद आपको ऊपर से पोर करना है। और अच्छा, जो ये इतनी टैंगी सी इसकी खुशबू इस वक्त आ रही है, अगर आप चाहें तो आप इसको चिकन विंग्स के ऊपर या मुख्तलिफ कटलेट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये सॉस बड़ा स्पाइसी सा टेस्टी सा। अब जो है मैं जा रही हूँ बनाने के लिए पैनकेक, तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ वैसे ही आपको। हाँ, वैसे ही बता दें। उसके लिए आप 1 egg डालेगा जी, मैदा डलेगा 4 टेबल स्पून और चीनी डलेगी 2 टेबल स्पून और उसमें मिल्क डलेगा 1 cup और उसको हम ब्लेंड करेंगे अंडे के साथ, 1 अंडा डालेंगे, ठीक है, और फिर हम उसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और हम उसको पैन के अंदर ज़रा सा ग्रीस करके ऑयल हल्का सा और उसमें हम आप डाल देंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपको बताऊँ बचपन में जब, थैंक यू सो मच शाजी जी, मैं वापस आती हूँ, आप ये तमाम चीज़ों की मिक्सिंग शुरू करें। बचपन में हम जब कोई भी एनिमेटेड कार्टून देखते थे और उसके अंदर पैनकेक्स बन रहे होते थे, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि वो जैसे उसको फ्लिप करता था, फ्लिप करके वापस आना। लेकिन आप प्लीज़ घर में ये ट्राई ना करें, बड़े एक्सपर्ट्स की बात होती है, मैं बड़ी मुश्किल से सीखा था, बट बहरहाल जी दैट इज़ वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ किड्स ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू। पैनकेक्स का बैटर तैयार हो चुका है और जैसा कि इसमें उन्होंने बताया कि इसमें आप मैदे का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो बाय द वे अब तो बड़े हेल्दी किस्म के यू नो पैनकेक्स में एडिशंस भी कर दिए जाते हैं, आप मैदे के बजाय लाल आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्दी वे में का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आमतौर पर बच्चे बनानास नहीं खा रहे होते, अगर आप चाहें तो एक बनाना भी इसमें डाल दें। फ्रूट्स तो जरूर डालें आप, और चॉकलेट भी डालें क्योंकि चॉकलेट तो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है बच्चों का। चॉकलेट तो बच्चों को काटो तो अंदर से लगता है कि चॉकलेट निकली। इस हम एक नजर आपको दिखा देते हैं, तमाम डिशेस हमारी प्लेट आउट हो चुकी हैं, शेफ शाजिया ने आज हमारा किचन संभाला हुआ था, जबरदस्त टैंगी सॉस के साथ उन्होंने चिकन फ्राई की है, नगेट्स फ्राई किए हैं, इसके अलावा पैनकेक्स बनाए जी विद चॉकलेट्स एंड स्ट्रॉबेरीज, इसके अलावा एक ड्रिंक भी मौजूद है।